सर किस स्थिति में है अभी जो जो हथियार मिला है, चालू हालत में है, क्या है? कारतूस मिलने की बात क्या है? हाँ, जो हथियार के साथ में जो अपना आवंटित जो जितनी गोलियाँ रहती हैं, कितने कारतूस, गोलियों की संख्या कितनी राउंड है? तकरीबन 47 के साथ 30 गोली उसमें ये होता है, आवंटित होता है। तो हाँ हाँ गार्ड का 247 60 गोली होगी। उसकी जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षा कर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। सर अगर कानून की बात करें तो जवानों को ऐसे रख के जा सकते हैं कोई? उसका डिपार्टमेंटल इलेक्शन, वो तो अलग चीज हो गया ना, वो हमारे स्तर से ऊपर का, वो तो वरीय पदाधिकारी के। नहीं, आप ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से 47 प्राइवेट घर में ऐसे रख के गार्ड और गायब हो सकते हैं बिना मालिक के? उसका जवाब देखिए, ये चीज अरे आपसे कानूनी पहलू नहीं, कानूनी पहलू तो सर नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, कानूनी पहलू तो सही नहीं सर। एक 47 में 30 मतलब दो का 47 से 60 करते हैं। रांची जिला से आवंटित किया गया है इन लोगों को, तो ये गार्ड का है और ये झारखंड पुलिस के जवान है। हाँ, किने मिले थे, किने लौट हुए थे? प्रेम नहीं नहीं, आपके क्या कार्रवाई होगी ऐसे मामले? पहले मुझे वहाँ से सबूत किया जाएगा, ये जब पूरी प्रक्रिया के बीच में नहीं कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ईडी के द्वारा बताया गया कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद मेरे थाने को हैंडओवर किया जाएगा, और जब हैंडओवर करने के बाद जब हम ये रिपोर्ट हम वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तो सर आपने जब्त कर लिया है? नहीं, अभी तो उनके पटे, अभी उनके पास है। और बाकी नाम है सर आपका? किन दोनों लोगों को मिला है? विनोद कुमार थाना, किन दोनों को ये आवंटित किया गया था? नहीं, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है।